नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राजपूत अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने वाला हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले किसी दूसरे राज्य में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं और वो अपने घर आना चाहते हैं। तो वो अपने घर आने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से आप लोग उस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करके अपने घर वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज यूपी के जो लोग अन्य किसी राज्य में फंसे हुए हैं उन लोगों के लिए मैं बताऊंगा कि वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं पूरा वीडियो क्या है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, यूपी सरकार द्वारा एक वेबसाइट लॉन्च किया गया है, वो वेबसाइट आप लोगों को मैं बता देते हैं वो वेबसाइट क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो यूपी सरकार द्वारा जो वेबसाइट लॉन्च किया गया है वो है jansunwai.up.nic.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं घर वापसी के लिए। तो दोस्तों, ये वेबसाइट आप लोगों को ब्राउज़र में लिखकर सर्च कर देना है। तो आप लोग जैसे ही वेबसाइट लिखकर सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने एक इस तरीके से वेबसाइट आप लोगों के सामने आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप, जनसुनवाई की मेन वेबसाइट है। तो आप लोग यहाँ से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, यहाँ पर आप लोगों को प्रवासी मजदूर पंजीकरण दिखेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें लिखा हुआ है प्रवासी पंजीकरण उत्तर प्रदेश से। यदि आप उत्तर प्रदेश से किसी अन्य राज्य में जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग लिंक है, और यदि आप किसी अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं तो उसके लिए अलग लिंक है। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूँ कि यदि आप उत्तर प्रदेश के से किसी अन्य राज्य में फंसे हुए हैं और उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं तो आप लोगों को इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूं पूरा प्रोसेस। तो आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने पंजीकरण करने के लिए एक पेज आ जाएगा। तो यहां पर अपना मोबाइल नंबर जो चालू हो, क्योंकि उस पर OTP जाएगा, वो वेरीफाई करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम OTP को वेरीफाई कर लेते हैं अपना मोबाइल नंबर डालकर। तो जैसे ही हम वो करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसा कि OTP आ गया है, तो हम OTP को डालकर आगे ओपन करके देखते हैं क्या आएगा। दोस्तों, यहां पर हमने OTP डालकर सबमिट पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों, सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया है तो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को फर्स्ट क्या करना है, आप लोगों को यात्रा की श्रेणी पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएंगे। यदि आप प्रवासी मजदूर हैं, काम करने के लिए दूसरे राज्य में गए हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, या फिर तीर्थयात्री हैं, या फिर पर्यटक हैं, या फिर अन्य कोई हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यह श्रेणी चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप यह श्रेणी चूज करोगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को अपना नाम, एज, और यहाँ पर अपना ईमेल ID, और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पहचान एक ID प्रूफ आपका लगेगा। यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID, अन्य आइडेंटिटी कार्ड भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो आइडेंटिटी कार्ड लगाएंगे उसका नंबर यहाँ आप लोगों को डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं।
यदि आप अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं तो इस पे यहाँ पर क्लिक करिएगा, अन्यथा यदि आप अकेले कर रहे हैं तो इस पे क्लिक नहीं करिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा यात्रा का तरीका, यदि आप अपने वाहन से स्वयं करना चाहते हैं यात्रा तो अपने वाहन पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपसे यात्रा का प्रकार पूछा जाएगा, तो यहाँ पर यदि आपका स्वयं का वाहन है तो इस पर क्लिक करिएगा, यदि आप गवर्नमेंट के वाहन से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यदि आपको कोई लक्षण है खांसी या जुकाम वगैरह है तो आप लोग यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा नो पर क्लिक करिएगा। यदि आप 14 दिन क्वारंटाइन में रहे हैं तो यहाँ पर यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। तो दोस्तों यदि आप यहाँ पर नो कर देंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप वर्तमान समय में कहाँ रह रहे हैं, तो आप लोग जहाँ पर रह रहे हैं वर्तमान समय में जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ का पूरा डिटेल यहाँ पर फिलअप करना है, और उसके बाद आप लोग किस पते पर वापस आना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके घर के एक सदस्य का, जो आपके घर में कोई गार्जियन है, पिता माता भाई कोई भी है, तो उसका यहाँ पर नाम पड़ेगा और उसका मोबाइल नंबर, और उसके बाद आप लोगों को ये तीनों चीज़ें पर क्लिक करके कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक पंजीकरण नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, उसको आप लोगों को लिख कर रख लेना, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।